सबसे पहले फैमिली ही कह देती है कि अच्छा नहीं ये तो सेल ही नहीं होगा, मतलब जो सबसे पहले रिएक्शन आता है ना सोसाइटी का वो अच्छा नहीं ये क्या है ये तो कुछ भी नहीं है। वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से ना लोगों का माइंड सेट ही नहीं है, हमारी जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ऑब्वियसली तो उनके लिए एक बड़ी अजीब चीज़ हो जाती है। लोग जो हैं वो बाहर से चीज़ खरीद लेते हैं, बाहर से चीज़ ले लेते हैं, लेकिन जो घर में बना रही होती हैं औरतें या जो घर में लोग सेल कर रहे होते हैं उनसे लोग नहीं लेते। मेरा जो काम है वो बेसिकली ये पेंटिंग्स का है, इसमें कैलीग्राफी है, लैंडस्केप्स हैं, स्कल्पचर आर्ट है और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी है। बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था कोरोना के टाइम में, जब बहुत ज़्यादा एक तरह से टेंशन थी और हर तरफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, उस टाइम ये मैंने स्टार्ट किया था। स्टार्ट मैंने बिल्कुल अकेले किया, फिर जो है बाकी मेरी फ्रेंड भी हैं एक और मेरी सिस्टर्स भी हैं, हम लोग सारे जो है ना एक ग्रुप बन गया। जॉब से बेहतर है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आप उसको दुनिया के सामने भी लेके आओ। मैंने कहीं प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा इसको, ना मेरा बैकग्राउंड है, ये मैंने बस खुद से पहले तो खुद से ही करती थी, फिर कुछ यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स जो है डिफरेंट जो लोगों के मैं ट्यूटोरियल्स देख के फिर मैं वहाँ से मतलब अब करती हूँ। एज अ वीमेन सबसे पहले तो हमारी जो सोसाइटी है ना वो सोसाइटी क्या, सबसे पहले फैमिली अच्छा नहीं, मतलब उनका ये रिएक्शन होता है कि अच्छा ये तो कुछ भी नहीं है ना, मतलब सबसे पहले फैमिली ही कह देती है कि अच्छा नहीं ये तो सेल ही नहीं होगा, मतलब जो सबसे पहले रिएक्शन आता है ना सोसाइटी का वो अच्छा नहीं ये क्या है ये तो कुछ भी नहीं है। फिर जब आप एक दो तीन जब इवेंट्स करते हो या कोई सेल्स करते हो फिर अच्छा उनको एक पहले सबसे पहले तो अपने फैमिली को यकीन दिलाना होता है ना, तो जब उनको थोड़ा सा आता है कि हाँ अच्छा हाँ ये हो सकता है, उसके बाद आपका जो पहले तो आपको पता है हमारा जो माशरा ऐसा कि जो मतलब वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से ना लोगों का माइंड सेट ही नहीं है। जो इस्लामाबाद पे तो फिर बेहतर है, लेकिन जैसे ये एबटाबाद या केपीके वाली साइड पे ना ये इतना ज़्यादा लोगों का नहीं है कि नहीं मतलब औरतें अच्छा क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कर भी लिया तो जॉब कर लें या टीचिंग कर लें या कुछ इस तरह। जो जब कोई औरत कहती है कि हमने अपना बिज़नेस करना है तो ये हमारी जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ऑब्वियसली तो उनके लिए एक बड़ी अजीब चीज़ हो जाती है। एक और चीज़ भी आती है कि लोग जो हैं वो बाहर से चीज़ खरीद लेते हैं, बाहर से चीज़ ले लेते हैं, लेकिन जो घर में बना रही होती हैं औरतें या जो घर में लोग सेल कर रहे होते हैं उनसे लोग नहीं लेते। मुझे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जॉब से ज़्यादा मुझे ये चीज़ अट्रैक्ट करती है कि आप खुद जो है ना अपना आपके चाहे बहुत छोटे लेवल पर ही हो लेकिन अपना आपका बिज़नेस हो या किसी भी तरह का आपके पास जो है ना वो आर्ट हो तो आप उसको यूज़ करो। लेट्स जो ग्रो टुगेदर है या वीमेन गाला है ये इवेंट्स भी जो है ना ये बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। मतलब यहाँ जब हम आते हैं तो हमें थोड़ी सी होता है कि अच्छा हाँ हम कुछ कर सकते हैं। जो डीमोटिवेशन होती है या जो लोगों का बैड जो बिहेवियर होता है वो यहाँ आके ना बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम अब देखते हैं हमारे जैसे और बहुत सारे लोग हैं।